अगली खबर आ रही है गया से, जहां टनकुप्पा प्रखंड के भेटौरा पंचायत में सरकार भवन एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है, जिसमें सभी वार्ड सदस्य, आशागण कार्यकर्ता एवं सभी कार्यकर्ता इस बैठक में उपस्थित रहे। इस बैठक में संस्थागत प्रसव को समय पर अस्पताल पहुंचाने को लेकर मुखिया अनीता के द्वारा एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर पंचायत के लिए रवाना किया और लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत कई योजना का शुभारंभ भी किया गया। पंचायत में पूर्व से संस्थागत प्रसव जो कराए जा रहे हैं, उस कार्य के लिए दिल्ली से कई अधिकारी पंचायत में निरीक्षण के लिए भी आए हुए थे। उक्त अवसर पर प्रखंड प्रमुख चिंकी कुमारी, पूर्व जिला परिषद उमेश दास, मुखिया प्रतिनिधि दिलीप यादव, महेंद्र दास सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। मुखिया अनिता देवी, हमने जन प्रतिनिधि महिला लोग हैं, महिला सभी वार्ड सदस्य मिल करके हम लोग महिला के जो दर्द जो होता है बच्चा होने, हम लोग के जानते हैं, घर घर जान के पूछते हैं कि क्या दर्द होता है बच्चा के, तो गाड़ी एम्बुलेंस तो फ़ोन करते हैं तो गाड़ी आता ही नहीं, तो हमारा गाड़ी है अपना, तो हम लोग गाड़ी अपना से व्यवस्था उन लोग के करते हैं। आप एम्बुलेंस बना दिए अपने गाड़ी को? जी, सबसे मतलब सब वार्ड सदस्य मिल करके, जितना जनप्रतिनिधि मिल हम लोग हैं उतना से मिल करके अपना गाड़ी व्यवस्था करके ले जाते हैं। हम बधाई देना चाहता हूं अपने ग्राम पंचायत मुखिया अनीता देवी को, इन्होंने अपने रीजन में अच्छा काम किए, हम लोगों को गर्भवती महिला को अपना गाड़ी से वहां तक पहुंचाने का काम किए, जो रेलवे क्रॉसिंग दूरी जाने में जो वहां पहुंचाने में पड़ता था, ये जो है अपना सुविधा दे करके और बहुत से पंचायत में वैसा योजना चलाए जिससे हमारा पंचायत जो है कि अच्छा विकास की ओर जा रहा, और संगठन और सभी लोग को ले करके इन्होंने चल रहे हैं, इसलिए मैं बधाई देता हूँ। वर्तमान समय महिला की समस्या समझते हैं हम लोग, हम और मुखिया जी सभी वार्ड सदस्य मिलकर एम्बुलेंस की व्यवस्था और गर्भ महिला की सेवा करने की सभी गठन किए बैठकर। कितना एम्बुलेंस की व्यवस्था की आपने? अभी तो सिर्फ एक ही है। कहाँ से गाड़ी खरीदाई थी? वो तो वो वाहन है गाड़ी का, अभी तो एम्बुलेंस। किनकी वाहन है? मुखिया जी के वाहन है। मुखिया जी के वाहन एम्बुलेंस बन गया, तो अभी तो एम्बुलेंस से बनी है। होम डिलीवरी मुक्त पंचायत हमारा जो है पहले से घोषित है, और हमको जो रेलवे क्रॉसिंग के चलते हमको सरकारी एम्बुलेंस आने में हमारा पंचायत में बहुत देरी लगता था, इसलिए हमारा ग्राम पंचायत के माननीय मुखिया श्रीमती अनीता देवी अपने वाहन को जो है एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया, और इसी से जो है हम लोग लगातार सरकारी अस्पताल हम लोग डिलीवरी को पहुँचा रहे हैं। क्या सोच के आप अपने गाड़ी को एम्बुलेंस बना रखे? हम लोग सोचे, हमारा पंचायत के जनता को बहुत तकलीफ़ हो रहा था, क्योंकि हमको जो है ये आने में हॉस्पिटल से गाड़ी आने में हमको 2 से 2.5 घंटा लग जाता है, 40-45 किलोमीटर घूम के आता है, और रेलवे क्रॉसिंग के चलते हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए हम लोग जनता के दुख के देखते हुए एम्बुलेंस बनाए हैं। क्या सड़क का के कार्यक्रम में मैं सबसे प्रथम आप सभी मीडिया कर्मी भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं ग्राम पंचायत मुखिया श्रीमती अनीता देवी को देना चाहता हूं। कारण यह है कि हमारे इस भेटौरा पंचायत में उन्होंने जो निर्णय लिया, जो गरीब गुरुआ को मदद करने का, जो परसों हॉस्पिटल में कराने का जो निर्णय लिए हैं, अब अपने गाड़ी को एम्बुलेंस बनाए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इसलिए कि हमारे रेलवे क्रॉसिंग के चलते ग्राम पंचायत भेटौरा में हॉस्पिटल का गाड़ी नहीं आने के कारण, देर से आने के कारण इन्होंने अपना गाड़ी को एम्बुलेंस बना करके, और जो पीड़ित महिलाओं को जल्द से जल्द हॉस्पिटल भेजने का काम करते हैं। हॉस्पिटल से गाड़ी आती थी कि लेट होती थी? गाड़ी हॉस्पिटल से आती है, लेकिन 40 से 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा लग जाता है।